खुला कि नहीं खुला मेरे को पता नहीं चला। खोलूंगा 3 जनवरी को, इतना मुझे याद है क्या क्या हुआ इनके साथ।
क्या क्या नहीं हुआ मुझे तो पता नहीं चला। उस वक्त मैं स्ट्रगल कर रहा था और इतनी ठंडी थी उस वक्त कि मैं क्या बताऊं, कई लड़के लगे हुए थे गाड़ी है इधर, कभी बॉम्बे यूपी जा रही है, कभी बिहार जा रही है, हर जिला में हम लोग उसका पोस्टर साफ रहते हैं। आप तो मुंबई में मतलब एक मीडिया के लिए बहुत बड़ा एक मिसाल रहा है। ये वही संजय जी हैं जो रात भर हमारे लिए आंखों में पानी छिड़क छिड़क के काम किए हैं, रात भर जगते थे हमारे लिए, बहुत काम किए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। सूरज नाम था ना, सूरज का, सूरज जो बहुत लगे हुए थे बनारस के थे और काफी मेहनत हम लोग उसके लिए किए थे। उसका नाम था पिक्चर का था हमरा से क्या करब, और भोजपुरी के सुपरस्टार मेगा स्टार रवि किशन जो फिल्म के हीरो थे, सिद्धार्थ सेठी डायरेक्टर थे, याद है थोड़ा थोड़ा, और मैडम हीरोइन थी उस वक्त। मतलब पटना में एक बोलते हैं मीडिया के बीच में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी था कि क्या क्या होने वाला, इतनी होर्डिंग लगे हुए थे उत्तर प्रदेश और बिहार के सड़कों पर और सिटियों में कि मैं खुद गिनती नहीं कर सकता था। तो उस वक्त से प्रतिभा जी को मैं जानता हूँ, और लेकिन क्या था, क्या होना था, कौन कौन थे मेरे साथ, क्या क्या हुआ, खोलूंगी राज करूंगी पर्दाफाश, कब, यही बस ये टैगलाइन हम लोग पब्लिसिटी का नया स्टंट बनाता है। एक फिल्म आ रही थी क्या हमारा से ब्याह करवा, तो ये कुछ हफ्ते पहले ये होर्डिंग हम लोग डाले थे पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार में, और जब जिस दिन पिक्चर रिलीज होने वाला था, हीरोइन नहीं थी, मुझे कोई नहीं जानता था, कोई, इनके दो आंखें थी जिसमें एकदम लोट टपक रहे थे, एकदम लाल लाल थी, दो आंखें थी बड़ी सी, और मीडिया में तो बहसबाजी था ही, साथ में पुलिस वाले और नेता परेशान थे कि क्या हुआ इसे, किसका राज खोलने वाली है पता नहीं। जिस दिन पिक्चर रिलीज होने वाला था उस दिन सबको होर्डिंग हटा के वहाँ लिख दिया गया हमरा से ब्याह करवा, तो मीडिया वालों ने छापा क्या था हेडिंग मुझे आज भी याद है, खोदा पहाड़ निकली चुड़िया। मतलब ये वही चुड़िया है जिसको हम लोग पहाड़ खोद के निकाले थे पोस्टर मार के। और एक और लड़की थी उसमें बहुत चर्चा कर रहे हैं सोना पत्रा, उसको मुझे याद है जब लगता है कई हॉल में हम लोग जाके शो किए थे उसको लेकर के, और आज हमारा प्रशांत भाई का जन्मदिन है तो उस वक्त पहला हम प्रतिभा के साथ आज लगता है फेस कॉम्पेस में बैठे हैं क्यों, और उस वक्त मैं हमेशा कमरे के पीछे होता आज आगे बैठ गया हूँ। प्रशांत भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दो, और प्रतिभा जी का जो चैनल है प्रतिभा एंटरटेनमेंट उसको सब्सक्राइब करिए, और नए गाने हमेशा कुछ ना कुछ डालते हैं तो सुनते रहिए। नए लड़कों के लिए ऑफर है कि अपने गाने से इनके चैनल पर डाल सकते हैं, उस पर नंबर दिया हुआ है, मेल दिया हुआ है, उस पर कॉन्टेक्ट करके अपने नए गानों को इनके द्वारा रिलीज करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू। तो भाई और एक बार हम लोग पार्टी का डांस करने वाला वीडियो लास्ट में देखिएगा आपको, समय बटेगा 14 तारीख को वैलेंटाइन डे है, मैं चाहूंगा इनके लिए एक नया बॉयफ्रेंड खोज रहा हूँ, कैमरा में कोई मिले तो फेसबुक को संपर्क करें। देख लीजिए क्या बोल रहे हैं भैया, हमारा ब्याह हो गया, हम कुछ बोल नहीं सकते। आपके ब्याह के एक एक वर्ड हमको याद है, और हमने ब्याह बनाया था पिक्चर हमरा से ब्याह करवा, आज ब्याह है नहीं के भैया का जो टीका हुआ था उसके के जो किडनैप कर लिया था। चलिए थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी मिल रही है, काफी लोग आए हैं, मीडिया से लोग आए हैं, ओम जी आए हैं, प्रतिभा जी हैं, इस खुशी को किस तरीके से हम जाहिर करें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मेरे लिए एक सरप्राइज पैकेज था। अभी प्रतिभा पांडे जी और हमारे सीनियर भी हैं और इनके तरफ से एक बोले तो गिफ्ट रहा मेरे लिए, मेरे को कुछ अता पता नहीं था इस चीज़ का, क्योंकि मैं जब मुंबई अभी आया तो ये घर से निकला तो मम्मी पापा बोले कि चलो हम यहाँ पे पूजा पाठ कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने सरप्राइज दिया बहुत अच्छा लगा, और ओम सर आए जिनको हम हमेशा सुनते आ रहे हैं गानों के माध्यम से और म्यूजिक के माध्यम से, संजय भी आए, सब कोई आया और आप लोग आए, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है, और सारे लोग जितने भी लोग आए हैं दिल से धन्यवाद है आप लोगों को। तो प्रशांत जी किससे प्रेरित होकर आप इंडस्ट्री में आए हैं, कौन सा ऐसा एक्टर है जिसे प्रेरित होकर एक्टिंग में आए हैं, खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हैं, कौन ऐसा अभिनेता है जो आपको आकर्षित करता था बचपन से? हाँ, रहा बात आकर्षित करने का, तो शुरू से एक मेरा
मैं बचपन में जब मेरी उम्र बहुत ही कम थी जब नहीं समझ में आता, लेकिन एक चीज था मेरे अंदर कि लोग पूछता था कि क्या बनोगे, मम्मी पापा चाहे घर के लोग पूछते थे तो हमारा एक ही जवाब होता था मनोज तिवारी हमारा बने के बाद, बस उनका नाम आता था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अगर कहा जाए तो उतना अच्छे से मिल नहीं पाए अभी तक। कहाँ के रहने वाले हैं? हम आरा से हैं। आरा और आरा में एक शहर में ही रहते हैं, लेकिन अभी एक गांव है हरिगांव, हमारे गांव का नाम है, और ठीक वहाँ के तो आप जानते ही हैं पवन सिंह जी को, और वहाँ से हमारे आरा के हाँ जी हाँ जी हाँ जी सही बात जी, जहाँ पर हमारी भोजपुरी मॉरिशस में जाके अभी पताखा लहरा रही है वहीं के हम निवासी हैं, जहाँ के हमारे गांव के ही वहाँ पे मॉरिशस के प्रधानमंत्री अभी थे कुछ दिन पहले। प्रदीप भाई आपसे चाहूंगा कि क्या कहना चाहेंगे, मतलब अभिनेत्री भी हैं, प्रोडक्शन कंपनी भी खोल रखा है, गायकी भी करती हैं। धन्यवाद करती हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिल्में तो मैंने बहुत की है, और आपके जितने भी स्टार लोग हैं चाहे पवन जी हों, रवि किशन हों, दिनेश जी हों, सभी लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ। और मेरा मेन यही था कि मैं इवेंट और शो करती थी पहले, तो अभी मैं फिल्मों के बाद मैं फिर यही इवेंट और सिंगिंग मैंने स्टार्ट किया है, और बहुत अच्छा गाते हैं प्रशांत जी, तो ख़ास तौर से मैंने इनको बुलाया है मेरे चैनल के लिए, ये गाना गा रहे हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, जो कि अभी आप लोगों ने सुना डबल भतार वाला, और मेरा भी धोबी गीत मैं पहली बार गा रही हूँ, और मेरा चैनल है प्रतिभा इंटरटेनमेंट यूट्यूब पे, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपना प्यार दें, और उसी के लिए मैं काम कर रही हूँ, और सभी लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तो इसके लिए सबके सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। और हमारे ओम जी आए हैं, हमारे इंडस्ट्री के सबसे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, हमारे धनुर्धर बहुत आप लोग तो जानते ही होंगे, तो इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि आए हैं हमें प्रशांत जी को आशीर्वाद देने के लिए, और मुझे भी बधाइयाँ देने के लिए प्रतिभा इंटरटेनमेंट के लिए। तो प्रतिभा जी, जब से आप इंडस्ट्री में अभिनेता लोगों से काम किया है, तो क्या कहना चाहेंगे, किसके बारे में खेसारी जी, पवन जी और दिनेश जी हैं मुख्य अभिनेता के तौर पर देखा जाए, तो इनके बारे में कुछ बताइए, क्या खास नजर आए तीनों में आपको? जी, रवि किशन जो है वो तो बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं शुरू से उनको मानती हूँ, और पवन जी जो हैं उनकी सिंगिंग में बहुत, कल्पना जी जो गायक हैं उनको मैं बहुत लाइक करती हूँ, और नए जो लोग आए हैं जो काम कर रहे हैं वो भी अच्छे हैं। तो हाल फिलहाल में खेसारी जी का एक एल्बम बहुत YouTube पे काफी वायरल हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? कौन सा वाला गाना सर? सारी पहन के नाच रहे हैं वो, तो उसके बारे में बताइए क्या? सर मैं उनको तो ज्यादा मैं नहीं देख पाती हूँ, लेकिन वहाँ उनका नाच मुझे बहुत पसंद है। अच्छी बात है ना, उनका नाच मेरे घर में सब, यहाँ तक कि जो लंदन में इधर उधर जो लोग पढ़ते हैं हमारे फैमिली में है, वो लोग भी उनका नाच के खेसारी जी का पसंद करते हैं, जो वो ठुमका मारते हैं, नाचते हैं, जो ऐसा साड़ी करके, तो वो बहुत अच्छा करते हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे प्रशांत जी के बारे में, जन्मदिन उनका और प्रतिभा जी? मैं इनको तहे दिल से बहुत मतलब आशीर्वाद दे रही हूँ इनको, ये मुझे बड़ा समझते हैं या मतलब सीनियर समझते हैं, तो मैं आशीर्वाद देती हूँ, ये सारी दुआएं देती हूँ कि ये बहुत आगे बढ़े और नए कलाकार एक उभरे हमारे इंडस्ट्री में, और अच्छे गायक हैं, हम सर से भी निवेदन करेंगे कि आप मौका जरूर दें सर प्रशांत जी को, और आगे बढ़ें, बस यही मैं आशीर्वाद। ओम जी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे प्रशांत जी के बारे में? प्रशांत जी को तो पहले सबसे पहले मैंने शुभकामना देना चाहूँगा उनके बर्थडे पे, और उनके जन्मदिन बहुत खास हुआ आज, प्रतिभा जी भी साथ में, और उनका एक एल्बम आया है मैंने सुना है अभी, प्रतिभा इंटरटेनमेंट जो प्रतिभा जी का चैनल है, और वो बहुत अच्छा लगा मुझे, हमारी बहुत बहुत शुभकामना है आपके लिए, आपके कैरियर के लिए भी, और प्रतिभा जी आपके लिए भी कि आपने एक नया चैनल शुरू किया है, और हम सब जरूर सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें, ऐसे ही उम्मीद करता हूँ मैं सबसे। प्रशांत जी आज आपका जन्मदिन है, कहाँ कहाँ से शुभकामनाएं सेलिब्रिटियों का? लगभग जितने अभी इंडस्ट्री के लगभग लोग तो अभी बाहर है, आउटडोर पे है, शूट पे हैं, क्योंकि अभी कोरोना काल के वजह से तो बहुत लोग शूट नहीं कर पा रहे थे,
तो लगभग अभी 2021 में हमको लग रहा है कि अच्छी खासी फिल्में अभी शूट हो रही हैं, तो लगभग लोग बाहर है। हम सबको कॉल भी किए लेकिन सबको ही आउटडोर रहने होने के बावजूद मतलब वजह से यहाँ पे नहीं आ पाए, लेकिन दिल से उन सब ने किसी ने फ़ोन से किसी ने फेसबुक के माध्यम से अलग अलग तरीकों से हमको आशीर्वाद दिए और बहुत अच्छा लगा। आपके जिला के आपके जो तीन बड़े सुपरस्टार हैं मार्केट में ज़्यादा तुम बताया, पहला पवन सिंह, राकेश मिश्रा और प्रमोद प्रेमी जी। हाँ अभी आप आगे ये भी धूम मचाएंगे भाई। अभी आप तीनों में सबसे अच्छा गाना लेकर बजा रहे हैं ना सर? अभी तो अगर देखा जाए तो बजने के माध्यम से अगर देखा जाए तो अभी ठीक ठाक बज रहा है। अभी राकेश जी का गाना बज रहा है, ऐसे सबका बज रहा है, नो डाउट सबके अलग अलग फैन है। और अभी जो अगर देखा जाए तो कौन सा गाना जरा अंतरम बताया उसका, मेरे को उतना याद नहीं है, लेकिन कोना में साउट के उलाट के पलाट के दिल बड़ा दहिया तूर हो, ऐसा कुछ था। अब उतना मेरे को बिजली के तार से बतारिया झुरैला मन मन कैला मजबूर हो, ऐसा कुछ है आपको याद है प्रतिभाजी? ए राजा तनी जाई ना बहरिया बथता बदन पोल पोल, राजा तनी इसी 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 धुन पे मैडम भी गाई है गाना बोला। अरे टन टन कराता जवानी एक टावर, इनका जो वोकल आया है ना एकदम प्योर मस्त लग रहा है। सुना दीजिए टावर टावर स्केल थोड़ा चेंज हो गया लेकिन मैं सुना रहा हूँ अपने इसके बाहर आप गाइएगा। टन टन कराता जवानी एक टावर भय गमना वाला सोर आवो ना राजा मेरा राजा तो हम लोग दोनों लोग काम भी किए इस वीडियो में। ये भी प्रतिभा एंटरटेनमेंट पे ही गाना आया हुआ है, लगभग हमको लग रहा है कि अभी शूट हो गए हैं ढेर सारे वीडियो, अभी आई है कुछ गाने और आने वाले भी हैं। तो हम यहीं से आएंगे आप लोग के माध्यम से, जो भी लोग आपके चैनल को देखने वाले श्रोता हमारे जनता जनार्दन जिनको सारे कलाकार अपना भगवान मानते हैं, यहाँ तक कि नेता अभिनेता के लिए जनता ही जनार्दन है। और हम तो यही कहेंगे कि आप लोग इस प्रतिभा एंटरटेनमेंट चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और थोड़ा हमको अधिक दीजिएगा। आपने सबसे ज़्यादा आज ग्रेट में खेसारी जी के फिल्म को म्यूजिक दिया है, लोगों को म्यूजिक दिया है, आपके अनुसार कोई हिट गाना आज ग्रेट में कौन सा आने वाला जरा बताएं? नहीं फिल्में तो बहुत सारी आ रही हैं, अभी कौन सा हिट होगा ये तो मुझे नहीं, हम अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेटेस्ट हिट गाना कौन सा आपका? लेटेस्ट बहुत सारे हैं, सारी दिखे बाकी सारे बाकी गाने बहुत चले थे, राजा ऐसे कहे देखा तारा हो और बहुत सारे गाने, मलम जी के सारे गाने सौम्य से नब्बे को धोखा दी थी या गांधी के बारे में थी, बहुत सारे पांडे जी ने अभी तक कितने को धोखा दिया जरा अभी तो यही बता पाएंगे, मुझे तो धोखा दिया नहीं क्योंकि उन्होंने जब शुरू से मेरे साथ गाया है, आज भी गा रहे हैं। हम ना किसी से दिल लगाते हैं ना हम किसी को धोखा देते हैं, लोग देते होंगे मैं भी देती हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा गाना बताएं जो इनके दिल फिर से लग जाए, तो उनके साथ सुना दीजिए। हम तो खुद ही चले जाते हैं, हम किसी को धोखा न देते हैं न लेते मेरा देह टूटे लागे दर दर तरा ऐसे बारी न मचिस के तेली डाटल के केवाड़ी में केली कहिए सोते के मिली न न न न न न न न डाल के केवाड़ी केले कहिए सोते के मिले शादी को लोग करवा दे क्या मिला शादी को लोग करवा दे क्या मिला
प्रतिभा जी, नए कलाकारों के लिए कितना आपके पास ऑफर है प्रतिभा एंटरटेनमेंट के चैनल? मेरे शरीर में जब तक खून है दम है, मैं चाहूंगी कि नए नए कलाकार उभरे, नए नए लोग आए और इस इंडस्ट्री में अपना जगह बनाए और मैं भी अपना जगह बनाती रहूं, बनाने की कोशिश करती रहूंगी, है ना सर? बस मैं चाहती हूं सभी आगे बढ़ें और लोग बढ़ने दें। कौन कौन से लोग, क्या क्या हो मेरे साथ, कब राज खुलिएगा? अभी तक राज खुला नहीं है। वो तो कब का राज खुल गया यार खोलूंगी राज करूंगी पर्दाफाश, ये तो कब का खुल चुका, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आगे भी कुछ पर्दा खुले, कुछ राज आए, और आएगा, समय आ रहा है। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के लड़कों के लिए कुछ करना चाहती हैं? बस सबको प्रणाम, और आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, आशीर्वाद दीजिए, सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ। बस मुझे यही चाहिए, आप लोग का साथ चाहिए। अभी 14 तारीख को वैलेंटाइन डे भी है, काफी दिन लोग आपसे लगा चुके होंगे, उनके लिए कुछ गिफ्ट मिलेगा? मेरा प्यार बहुत सारा। क्या कुछ खास होने वाला वैलेंटाइन डे आपके लिए? आप ही लोग करेंगे जो करेंगे खास, हमारी तरफ से मैं क्या खास करूँ, आप ही लोगों का प्यार है वही मेरे लिए खास है। कुछ नए नए गाने और आ रहे हैं, अच्छे अच्छे वीडियो आ रहे हैं, मैं सबको और प्रशांत जी ने उसमें मॉडलिंग की है और मैंने मेरा गाया हुआ सॉन्ग है। जहाँ तक हम लोग कलाकार है तो कला के माध्यम से ही बहुत खूबसूरत वीडियो बने हुए हैं, जब देखने को मिलेगा बहुत जल्द प्रतिभा एंटरटेनमेंट। देख रहे हैं, अभी तो कुछ लोगों से बात हुई है, लेकिन अब क्या होता है कि जब तक खाना बन के तैयार नहीं हो जाता हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी आप लोग का साथ और देखने वाले सारे जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा तो वो भी दिन दूर नहीं है, जरूर कुछ अच्छा होगा और बेहतर होगा। बर्थडे बॉय को आप तो दे रही थी, पहले बॉय को फिर बर्थडे बॉय को, ये लीजिए दोनों लोग को। सबसे पहले तो मैं प्रशांत जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, ये अपने जीवन में नित नई उन्नति प्राप्त करें, नई ऊंचाइयों को छुएं। ये बिहार से हैं, सिंगर हैं, भोजपुरी में अच्छा नाम करें, अच्छे गाने गाएं और अच्छी पर्सनालिटी है, और खासकर हमारे भोजपुरी में सिंगर्स हीरो हैं, यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये भी हमारे इंडस्ट्री के एक हीरो बन के नायक बन के उभरे, ये कामना है। पता नहीं चलेगा। अच्छा, रेड ब्लैक रेड और एकदम करेक्ट टाइम।
बच्चा जब छोटा था तो हमने पहली फिल्म में गाना गवाया था मैना की फिल्म में, याद है जी, और बड़ा टफ गाना था और बहुत अच्छा इन्होंने निभाया। तो बहुत अच्छा, मैं एकदम दिल से चाहता हूँ, मजबूरी है कि ये इधर रहते नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई सिंगर हमारे सामने गाए। अभी तो बड़ा खुश हुआ मैं, मुंबई में आ गए, मुंबई में हाँ थे बचपन और जवानी के बीच वाला इनका उम्र था। अभी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इनके लिए, अभी कल भी इनसे गाना गवा रहा हूँ, कुछ गाने आए हैं तो हमारा भाग्य है कि भाई आ गए, बहुत अच्छा गाते हैं। प्रतिभा जी का तो मैं फैन हूँ, प्रतिभा जी बहुत अच्छी एक मतलब ये सेल्फ एस्टैब्लिश एक्ट्रेस है, बहुत अच्छा आत्मसम्मान है, बहुत अच्छा बहुत अच्छी अदाकारा है, बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छी गाती भी हैं, इनका बहुत अच्छा गाती भी है। इनका जो चैनल है, जो म्यूजिक कंपनी इन्होंने खोला है, प्रतिभा एंटरटेनमेंट, हमारी भी इच्छा है कि हम लोग भी कुछ करें आपकी कंपनी के लिए। सर ये भोजपुरी गाने बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, पब्लिक से क्या करते हैं, कितनी अच्छी बात है ये आज के दौर में, देखते तो बॉलीवुड के गाने से ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। इस लॉकडाउन में हमने देखा ना कोई भी इंडस्ट्री में उतनी ये नहीं थी, इतना ग्रोथ नहीं हुआ, भोजपुरी बहुत ग्रोथ कर गया, लॉकडाउन भी रहा ना, डिजिटली इसका बड़ा अच्छा मार्केट है, बहुत सर्च करने वाले सर्चिंग बहुत और कुछ आपकी तरफ से क्या नया तरीके होने वाला है? अभी तो मैं इन लोगों को शुभकामना देने आया हूँ, साथ जुड़ के हम भी कुछ करेंगे, बड़ा अच्छा अच्छा गाना ये भी मुझे सुना रहे थे। ये बेसिकली इनमें गायकी है, हम भी पहले गजल गाते थे तो वेलकम। अरे आप लोग तीन लोग कर लीजिए, आइए अभी आइए आइए ना आइए, ये आ रहा है भैया, हाँ वो ले लो। गरम जी आइए, हमारे तेरे पैर आ रहे हैं। याद है ये फोटो में फोटो यस हाय थैंक यू ओम सर, हां आइए ना मेरे सहकर्मी है और गार्जियन है, मैं करियर पहली बार मुंबई इन्हीं के डायरेक्शन में गाया हूं आके, तो मैं चाहता हूं एक चीज गाना, अरे हम का गाना, अरे मैं हाल था कल तो हार सॉरी मैं चाहता हूं चले मन खुश हो जाएगा। एक पल में मिला के न जाने बच्चा थे क्या बात, उनके गाने और कोई अलग से तो एक पल में मिला के नजरिया तू समा गई दिल के भीतरिया साथ छूटे नहीं कब है, साथ छूटे नहीं को तुमसे अब तक जन्म जन्म लेना हमसे
कसम एक पल में मिला के नजरिया तू समा गई दिल के भीतरिया। क्या बात है।